press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आज के इस पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे लिए ये 14 साल का मेरा करियर हो गया है जी, फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत इंडस्ट्री में, और मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल मूवी है डोक्याला शॉट। अभी मैं मुझे पता भी नहीं था डोक्याला शॉट का मतलब क्या है। जब आपको मतलब ना पता हो किसी चीज़ का और फिर भी आप घुस जाएं उस काम में, तो समझ लीजिए आप भी उसके हिस्सा हैं डोक्याला शॉट के, तो आप खुद ही हैं वो डोक्याला शॉट। और उस वक्त ये हुआ कि मुझे पकड़ में आया नहीं कुछ, ये क्या मतलब है इसका, तो इन्होंने बताया कि ये सर अगर हिंदी में बोलेंगे तो भेजा फ्राई, ऐसे समझ लो, दिमाग का जैसे दही हो जाना होता है ऐसे वाला। तो सुन के बड़ा प्यारा लगा। क्या होता है ज़िंदगी में, बहुत लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, रैट रेस में भी भाग रहे हैं, नाना प्रकार की आपाधापी कर रहे हैं, लेकिन इंसान खुश रहना भूल रहा है। तो ये हमारा सिनेमा जगत है जो इंसानों को खुशियां बांटता है। 3 घंटे का, 2.5 घंटे का एक ऐसा एंटरटेनमेंट देते हैं हमारे गुणीजन कि उस वक्त बहुत कुछ हंसते हंसते हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं हितेंद्र को, हमारे उत्तुंग साहब को, हितेंद्र जी को, और हमारे पूरी शिव सर को, और हमारे जितने भी कास्ट एंड क्रू, और श्रीकांत, अनीता, अमित जिसको मैंने अभी देखा, जिसकी वॉइस बड़ी खरज में है, बहुत ही बेस में, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और ये फिल्म उत्तेजना से परिपूरित फिल्म है जी, बस इतना बोलूँगा। और बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आई जो मैंने गाई थी, लेकिन इतना मज़ा आया कि ऐसा लगा वाह क्या कर दिया ये। अपने ही गाने से कभी कभी सुन के थोड़ा सा खुशी मिलती है और ऐसा लगता है यार मेरा भी कभी कभी जवाब नहीं। थैंक यू वेरी मच। टैग लाइन है तू गुलाम अब जोरू का, इस लाइन ने मुझे बचा लिया था, क्योंकि ये हम सुनते हुए तो आए ही हैं और बड़े बड़े सूरमा भी इस वाले टैग से बच ना पाए, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अच्छा चलो ये तो फिर सब इस, ये एक क्लब के लोग हैं तो ये तो चलेगा, फिर कोई नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।